आज हमारे पास है ये सबसे जल्दी डीकम्पोज होने वाला मटेरियल जो कि है एक न्यूज़पेपर। आज हम देखेंगे कि जो ये न्यूज़पेपर है ये किसके अंदर जल्दी डीकम्पोज होता है, ये मिट्टी के अंदर या फिर ये वाले जहरीले पानी के अंदर। सबसे पहले हम पानी को इसके अंदर डालेंगे गिलास के अंदर ताकि ट्रांसपेरेंट रहेंगे और हम इसको देख पाएँ कि इसके अंदर मतलब क्या हलचल हो रही है, और मिट्टी में तो इसको सीधा ही अंदर गाड़ देंगे। इसके अंदर नहीं गाड़ेंगे ये, इसके अंदर हम गमले के अंदर इसको गाड़ेंगे, इसके अंदर पानी भर लेते हैं। ये जहरीला सा पानी, ये मेरे को तो डर भी लग रहा है इसको हाथ लगाते हुए भी। इसके अंदर हम कुछ इसका हिस्सा डाल देंगे न्यूज़पेपर का। ये मैंने डाल दिया ये न्यूज़पेपर का टुकड़ा, चल जा भाई बेइज्जती करेगा, इसके अंदर ये इसके अंदर डाल दिया। देख लो मैंने कुछ इस तरीके से इसके अंदर चला गया ये, और अब हम मिट्टी में गाड़ते हैं इस न्यूज़पेपर को। ये हमारा मिट्टी वाला प्लान, इसके अंदर हम गाड़ेंगे इसको। देख लो भाई बिल्कुल सही है ये। आप सोच रहे हो इसके अंदर इतने पौधे वगैरह लग रहे हैं तो ये दिक्कत करेगा, ये दिक्कत नहीं है, इसके अंदर फ़ायदा ही करेगा इसको डीकम्पोज करने के लिए। इसको भी उसकी तरह बिल्कुल सेम हम तोड़ मरोड़ लेते हैं इसके अंदर, अब साइड में करके डालेंगे इसको। ये इस जगह पे मैंने इसको गाड़ दिया, ये जगह पे बिल्कुल सही ही इसी जगह के ऊपर मैंने गाड़ा है, और एक जगह पर हमारा ये न्यूज़पेपर पानी के अंदर, ये भाई खुलने भी लग गया इतनी जल्दी इसके अंदर। इन दोनों चीज़ों को हम बिल्कुल सेफली एक अपनी जगह पर रख देते हैं ताकि ये भाई दोनों चीज़ बिल्कुल ओपनली रहेंगी, मतलब कि फुल इन्वायरमेंट के अंदर दिखती रहेंगी, मतलब कि इनको दोनों को मैं ओपन के अंदर रखूँगा, इस जगह के ऊपर छुपाऊँगा नहीं। इसको हम रख देते हैं इस साइड में, रख दिया बिल्कुल, कोई बात नहीं दोबारा पानी भर लेंगे। तो भाई लोग मैंने फिर से पानी भर लिया इसके अंदर, और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ये जो पानी है ये बिल्कुल बारिश का पानी है, मतलब कि नेचुरल वाटर है, ये नेचुरल वाटर होता है तो नीचे भी होता है। हाँ बाकी ये बारिश का पानी है, ज़्यादा अच्छा है मतलब कि डीकम्पोज वगैरह, क्योंकि इसके अंदर एसिड वगैरह ज़्यादा है। तो इसको फिर से कहीं सेफ जगह कर देते हैं, ये जगह पर गिर जाएगा ये, इसको यहाँ पर रख देते हैं छुपा कर नहीं रखा है मैंने, कि ये फूट ना जाए, ये कोई जानवर वगैरह इसको फोड़ सकते हैं आसपास में कहीं। तो इसको मैं गमले में रख देता हूँ, इसके अंदर मैंने इसको बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के खेलते हैं बिल्कुल सेफली। ये हमारा बिल्कुल सेफली यहाँ पर ये आ चुका है, अब हम लेकर आते हैं हमारा गमला, वो जिसे खाकर हम वहाँ फेंकेंगे। तो फेंक दिया मैंने इसको यहाँ पर, एक बार भाई फिर से कन्फर्म कर लो देखकर, ये जगह पर हमने इसको गाड़ा था ये जगह पर। तो भाई ये बम लोगों को करना पड़ेगा 10 दिन तक, देखिए कैसे निकल गया, तो 10 दिन तक करना पड़ेगा हम लोगों को वेट। चलो फिर 10 दिन बाद मिलते हैं। ओ भाई एक हफ्ता हो चुका है पूरा, अरे जो ये बल्लब था इसको रखे हुए इसके अंदर, सामान बिल्कुल भाई कोई फर्क तो पड़ा नहीं इसके ऊपर, चलो देख लो भाई कोई फर्क नहीं इसके अंदर, कोई अच्छा भी नहीं हो रखी है यहाँ पर, फिर से गिर जाए क्या लॉस हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसको खोलना ही था हमने, इसको यहाँ पर रखते हैं एक बार, बच्चे का सबसे दूसरी तरफ यहाँ पर हमने हमारा दूसरा सामान गाड़ा था, यही कम था टेस्ट करते हैं इसके अंदर कि कहाँ पर है। भाई देखते हैं कहाँ पर था, मैं थोड़ा सा ध्यान था नहीं है मेरे को यार, ध्यान में तो ये कहाँ पर शायद तक इसी जगह नहीं है, ये रहा मैं भी कह रहा था बिल्कुल तो दिखे, लेकिन नहीं मुझे तो भाई और कुछ हो गया उसके ना। हाँ मतलब अब तक ये भाई ख़राब हो चुका है,
तो उन्हें पानी के अंदर रखा है। ओहो जो काफी गल चुका है, काफी ज्यादा गल चुका है। तो ये देखो भाई डिफेंस, मम्मी ने बराबर साइज के डाले थे दोनों। ये भाई दोनों का भाई बुरा हाल है, लेकिन डाइजेस्ट ज़्यादा पानी वाला अच्छे से हुआ है। डाइजेस्ट नहीं यार, मैं बार बार डाइजेस्ट बोल देता हूँ, डाइजेस्ट तो अपने पेट के अंदर खाना होता है, इसको कुछ और कहते हैं जो भी कहते हैं भाई, क्योंकि जल्दी ख़राब ये हुआ है, पानी वाला हुआ है। और ये कागज़ जो इसके अंदर था, अपने मिट्टी में था, इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मतलब ये देखो यार बिल्कुल वैसे ही रहता है। ये सामने तुम्हारे दोनों मिलते दिख रहे तुमको, ये मिट्टी का हीरा। तो भाई इसमें कोई तो कुछ नहीं हुआ भाई, दोनों को मिट्टी में दो और दाब। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।